हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉग्निजेंट हायर कर रही है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या वर्किंग डेज होगा, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, क्या वीक ऑफ डेज होगी, क्या सैलरी होगी, क्या सैलरी डेट होगा, मैं टोटल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार आप कॉग्निजेंट में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। फ्रेशर विथ गुड रिटेन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, कैंडिडेट के पास मतलब गुड रिटेन होना चाहिए फॉर वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर बीकॉम बीए बीबीए ग्रेजुएट हु आर पास आउट फ्रॉम 2020, 2021 एंड 2022। वैसे कैंडिडेट जो 20 के पास आउट हैं, 21 के पास आउट हैं, 2022 के पास आउट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी रेडी टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, ये काम करने के लिए कैंडिडेट को एग्री होना होगा कि वो वर्क फ्रॉम ऑफिस का जॉब कर सकता है। शुड बी विलिंग टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, ये भी काम करने के लिए, ये जॉब करने के लिए उनको नाइट शिफ्ट में जॉब करना पड़ सकता है, क्योंकि ये रोटेशनल शिफ्ट होता है। मस्ट हैव गुड टाइपिंग स्किल्स, कैंडिडेट के पास एक अच्छी टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 WPM या फिर 30 से अधिक WPM होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो इंडस्ट्री है BPO कॉल सेंटर की इंडस्ट्री है, डिपार्टमेंट कस्टमर सक्सेस सर्विस एंड ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है। रोल जो है वो नॉन वॉइस का दिया गया है, फुल टाइम परमानेंटली, ये पेरोल के जॉब के अंतर्गत होगा, किसी भी थर्ड पार्टी के यहाँ पे कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपनी के पेरोल में जाओगे। एजुकेशन BA इन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड कम्युनिकेशन इकोनॉमिक्स इंग्लिश फिल्म BCom इन एनी स्पेशलाइजेशन BSc इन एग्रीकल्चर एंथ्रोपोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, ये सब बताया गया है। कंपनी के एड्रेस में स्क्रीन पर फ्लैश कर दो, यहाँ पे आप जाके डायरेक्ट जो है वॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, किसी तरह का कोई बात नहीं। सैलरी की यहाँ पे बात करें तो 2.8 LPA का सैलरी बताया गया है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये डायरेक्ट वॉक इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। तो कैसा लगा उससे वीडियो, वीडियो के थ्रू मैंने बताया कि कॉग्निजेंट हायर कर रही है नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए, तो वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट जो है वॉकर इंटरव्यू दे सकते हैं, हायरिंग चल रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।